हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना होम टूर का वीडियो। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आई थी और मेरी भी इच्छा थी कि आज मैं आप लोगों के साथ जो है मैं अपना होम टूर शूट करूं। और मैंने अपने घर को जो है, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अपने घर को बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सादा रखा है, ज़्यादा तामझाम, ज़्यादा सजावट जो है अपने घर में अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये घर अभी नया बना है, करीबन 5-6 महीने पहले जो है वो बनकर ये रेडी हो गया था। जून में, 19 जून को ये रेडी हो गया था और 24 जून को हम यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो गए थे। तो ज़्यादा हमने सजा धजा कर क्यों नहीं रखा घर को, इसका अपना एक रीज़न है। धीरे धीरे जैसे हिमांक जो है वो बीमार ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स, तो डॉक्टर ने मना किया है कि घर में ज़्यादा महंगी चीज़ें हम लोग जो है थोड़ा सा अवॉइड करें जब तक हिमांक को आराम नहीं हो जाता। वो क्या चीज़ें हैं वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर आप लोगों को बताई हुई हैं। और इसलिए जैसे हिमांक धीरे धीरे हिमांक में इम्प्रूवमेंट होती रहेगी तो उसके बाद जो हम काफ़ी और सारी चीज़ें जो हैं ऐड करते रहेंगे। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें ऐसी ऐड करी हमने जिसमें जो है हिमांक का हाथ जो है वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो चलिए होम टूर का वीडियो जो अपना स्टार्ट करते हैं। पूरी उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आए, अच्छे से मैं शूट कर पाऊँ। और अगर किसी को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर फ्रेंड्स और फैमिली को अच्छा लगता है। नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि जितने भी मैं व्लॉग्स डालूँ आपको, मेरे चैनल के जितने भी व्लॉग्स होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाएगी और आप मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये है मेरा घर और आज थोड़ा धुंध है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा धुंध है, तो बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। बाहर का डिज़ाइन है ये, मैं अच्छे से करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये सामने फ्रंट का डिज़ाइन है, ये ऊपर का फ्रंट का डिज़ाइन है और ये सबसे ऊपर का जो है वो फ्रंट का डिज़ाइन है। तो अभी चलते हैं घर के अंदर और अच्छे से आपको पूरे घर का जो है मैं टूर आपको दिखाती हूँ। नज़दीक आने के बाद धुंध थोड़ी कम दिख रही है। ये देखो, ये हमारे गेट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है और ये ऊपर ऐसे ग्रिल वगैरह लगी हुई है। ये फ्रंट का डिज़ाइन है, ऐसे कुछ है। अभी चलते हैं अंदर। तो जी ये है, चल जाते हैं अंदर की तरफ। और ये हमारा पार्किंग का एरिया है जो हमने खुला छोड़ा हुआ है। गाड़ी अभी है नहीं, गाड़ी हिमांक के पापा लेकर गए हैं और ये साइड में है। और अब देखते हैं अंदर की तरफ। ये देखो, ये अंदर से कुछ ऐसा डिज़ाइन है। तो जी एक रूम जो है ये है और ये है एक स्टोर रूम। और ये जीने के नीचे जो बनवाया हुआ है ये कुछ है, इसमें काफ़ी स्पेस है। तो ये रूम स्पेशल गेस्ट के लिए है। इस रूम में जो है गांव से जब कोई आता है या कोई गेस्ट आता है तभी ये रूम यूज़ होता है। और इस रूम के ऊपर हमने लगाई है गणेश जी की एक मूर्ति। तो इस रूम को अंदर से देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल बेड जो है वो रखा हुआ है। तो जी ये रूम कुछ ऐसा है, बस अलमारियाँ हैं, एक पुराना टीवी जो हम गाँव से लेकर आए थे, कुछ चेयर्स वगैरह हैं और एक डबल बेड लगा हुआ है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस रूम में, बहुत ही सिंपल है। तो जी ये हो गया है रूम। उसके बाद ये बाइक है हमारी और ये है वरुण की साइकिल। हिमांक ने अपनी दोनों साइकिल्स तोड़ दी हैं। और ये है कूलर जिसका हमने अभी पेंट करवाया था। और ये एक बाथरूम है। और ये जो रूम है, ये चीज़ हमने बहुत खुली रखी हुई है, ऊपर सेम ऐसे ऊपर भी है। अभी आते हैं इस स्टोर रूम की तरफ। तो ये है हमारा स्टोर रूम और ये हिमांक के दादा का एक बक्सा है जो हम गांव से साथ मर लेकर आए थे। और स्टोर रूम तो भाई स्टोर रूम जैसा ही होता है, ये देखो। और इसमें काफ़ी सारा सामान दुकान पर वापस होना है जो बचा हुआ था घर के कंस्ट्रक्शन में, जो बच गया था वो। तो ये जो स्पेस है जिन्ने के नीचे का, ये स्पेस बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, क्यों इसमें काफ़ी सारी जो है सामान मैं अभी दिखा देती हूँ। इसमें क्या है, हमारे सिलेंडर आए हुए हैं काफ़ी सारे। और इसके बाद पानी के मोटर का कनेक्शन भी है। और उसके जो नीचे है वहाँ पे हमने एक स्लैब डलवाई, ऊपर नीचे काफ़ी सारा सामान जो है आ जाता है। तो ये एरिया भी काफ़ी मतलब स्पेस वाला है, इसमें बहुत सारा सामान और भी आ जाएगा। अभी तो हमने बहुत कम रखा है इसमें सामान। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। तो जी ये देखिए,
ये स्टील का काम करवाया है जीने में और एक छोटा सा प्लांट हमने लगवाया है। और उसके बाद एक सेकंड जो पेड़ा काफ़ी बड़ा आता है उस पर एक प्लांट लगवाया है, और उसके बाद थर्ड वाले पे ये प्लांट मैंने अभी करीबन एक महीने पहले ही लगवाए हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और फिर आते हैं सामने एक ग्रीन मैट रखा हुआ है, और इस तरफ जो है हमारी एक शूज़ की जो अलमारी है वो है, ये है हमारी शूज़ की एक अलमारी। और गेट का डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ सामने से, तो जी ये देखो ये है हमारे गेट का डिज़ाइन, और ये ग्रीन मैट रखा है हमने। अभी चलते हैं अंदर की तरफ। तो जी एक यहाँ पे हमने मैट लगाया है, और जैसे ही हम एंटर करते हैं जो लेफ़्ट साइड है उसमें ये है एक बाथरूम, और राइट साइड में हमारा जो आ जाता है ड्राइंग रूम। ये देखो जी ड्राइंग रूम हमारा बहुत ही सिंपल है, और ये कुछ इस तरह का है। और ये सामने जो है सोफों के एकदम सामने जो है हमारा टीवी यूनिट है, और यहाँ पर एक ये बाउंस करने के लिए हिमांग के लिए एक्टिविटीज़ में ये काम आता है तो वो रखा हुआ है। और इन सोफों के सामने बिल्कुल ऊपर जो है, यहाँ से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, तो जी ये एक राधा कृष्ण जी की जो हमने एक मूर्ति लगवाई है यहाँ पर, और दूसरी तरफ ये गणेश जी की जो है वो मूर्ति है, ये कुछ इस तरह की है, और ये हमारे इस तरह का डिज़ाइन है। और उसके बाद यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो है हमारी बालकनी, तो बालकनी में कुछ ऐसा है भाई अभी, तो ये देखो एक चारपाई लगाई है, धूप निकलती है तो हम यहाँ पे जो आराम से बैठ जाते हैं, एक टेबल है, ये कुछ रखा हुआ है सामान, और इधर ये कुछ बिल्कुल खाली है, योगा मैट हम यहाँ बिछा लेते हैं और ताकि दिन में बच्चे बैठ जाएं। अभी चलते हैं। तो जी अंदर हमने टीवी यूनिट पे बस एक फ्लावर पॉट रखा, यहाँ कुछ रखा था वो वरुण ने तोड़ दिया, ऊपर एक सिर्फ एक छोटा सा जो है वो रखा हुआ है, ये देखो ये हिमांग से बचा कर ऊपर रखी हुई है, बार बार पानी मांगता है इसमें। ये कुछ ऐसा है हमारा, एक ओवरलुक मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सिंपल रखा है हमने, बहुत ही सिंपल कुछ ऐसा। उसके जस्ट साइड में आता है हमारा किचन, ये है हमारा किचन, किचन का कॉम्बिनेशन वाइट और गाजरी पिंक है, ये वाइट है और गाजरी पिंक है। और सामने ये आरओ का प्लीज़ इग्नोर करना, कल आरओ वाले भैया जो मैंने उनको बुलाया हुआ था वो ठीक करके, उनसे हो नहीं पाया, कुछ सामान नहीं मिल रहा था, वो आज लेकर आएंगे तो आज ये टंग जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये है, आप बोलोगे तो एक पूरा टूर जो है वो मैं आपको किचन का अच्छे से मैं दिखा दूँगी। और कुछ इस तरह की टाइल्स मैंने इसमें लगवाई हुई हैं। तो अभी जैसे हम किचन से बाहर आते हैं, और ये सामने हमारा दरवाज़ा था, तो बिल्कुल फ्रंट में हमारा पड़ता है एक फ्रिज, डबल डोर का हमारा ये फ्रिज है, और ये है हमारी क्रोकरी यूनिट, और मेरी जान है भाई बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें सारा क्रोकरी का सामान जो है नीचे तक भरा रखा हुआ है। और ये हमारा मंदिर, पूजा हमारी हो गई है, और पूरा खाली है ये बिल्कुल, अभी हमने जैसे मैंने आपको बताया था अभी ऐसा डाइनिंग टेबल लेंगे, लेकिन कुछ दिन कुछ महीने रुक के लेंगे, उसके भी कुछ रीजंस हैं। और एक हीटर जो है यहाँ रखा हुआ है, और ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे हमने पूरी यूनिट बनवानी थी, बस हिमांग की वजह से हम नहीं बनवा पा रहे हैं। और एक मिरर यहाँ का जो हमने बनने के लिए दिया हुआ है दिल्ली में, वहाँ पर जो मिरर के अंदर ही जो है वो लाइट लगनी है, तो वो इस तरह का है वो आएगा। और ये कुछ इस तरह की टाइल्स हैं, बिल्कुल जस्ट ऐसे सामने आता है हमारा एक रूम, इस रूम में सामने आपको दिख रहा होगा मेरा ट्राईपॉड, लाइट ऑन कर लेते हैं। तो जी ये देखो ये सामने ट्राईपॉड है, दो चेयर रखी, एक टेबल है, और इसके साइड में एंटर करते ही एक स्टडी टेबल है, फिलहाल इस पर मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, ये काफ़ी वरुण के हिसाब से ना काफ़ी बड़ा है, तो हम मैं प्रेस वगैरह करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, या मुझे कभी लैपटॉप पे काम करना होता है तब यूज़ करती हूँ। फिलहाल ये प्रेस इसलिए रखी हुई है क्योंकि मुझे ये शूट करने के बाद प्रेस करनी है। और फिर ये एक चारपाई यहाँ पर रखी है, और ये है अलमारी, इन अलमारियों के ना काफ़ी सारी डिमांड आती है, तो ये पूरा डिज़ाइन आप ध्यान से देख लो। जब मैंने लास्ट टाइम शूट किया था ना, उस टाइम जब भी व्लॉग्स आते हैं तो अलमारियों के बारे में काफ़ी कमेंट्स आते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ खिड़की जंगले वगैरह लगवा के, और जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर स्पेस है, और जितने भी जाली के दरवाजे हैं सबका डिज़ाइन हमारा सेम सेम है, और यहाँ पर भी वही स्पेस है यहाँ पर, ये देखो पूरा, ताकि जो है रोशनी की कोई कमी ना रहे घर में। और पर्दे मैंने अभी नहीं लगवाए हैं, वो अभी लगवाएंगे 10-15 दिन में,
उसके बाद एंटर करते हैं इस रूम में, और इस रूम के बाहर जो है मैंने लगवाई हुई एक ये यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, ये यहाँ पे कुछ है, ये एकदम फ्रंट में है और ये ऐसे घूम के तिरछा तब ऐसे है, और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये देखो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हेलो, एक एसी लगवाया है और ये कुछ इस तरह का है। हेलो हिमांक, एक टीवी यूनिट वहाँ पर है, अभी कुछ महीनों के बाद ही आएगा, जब डाइनिंग टेबल आएगा उसी टाइम जो है यहाँ पर एक टीवी यूनिट आएगा। और ये इस तरफ है बाथरूम हमारा, और उसके बाद ये है हमारा ड्रेसिंग एरिया, और वो सामान वहाँ पर रहता है क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है तो मुझे साथ लेकर जाना होता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ का, अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ सामने जैसे हमारी शू रैक है तो उसके जस्ट सीढ़ियाँ हम जैसे ऊपर चलते हैं, वहाँ पे भी ऊपर हमने काफ़ी स्पेस बनवाया हुआ है, ये देखो मैं ऊपर से दिखाऊंगी अच्छे से यहाँ पर। और ये जितने भी ग्लास वगैरह बाहर लगे हुए सारे टफन ग्लासेस हैं, और चलते हैं ऊपर की तरफ। ये है हमारा मोंटे का एरिया, स्टोर रूम की तरह भरा हुआ है, और यहाँ पर है इन्वर्टर का कनेक्शन, डबल बैटरी है इसमें, एक ये ऊपर है, ये चने मैंने सुखा कर रखे हुए हैं, ये मेरी संदूक है, और यहाँ पर वॉशिंग मशीन और बाल्टियाँ टब जो मुझे यूज़ होती है कपड़े धोने में, लॉन्ड्री हैंगर, और वहाँ पीछे सामान जो है वो रखा हुआ, और उसकी बैक में है एक पंखा, गर्मी में यूज़ होता है कभी कभी। और ये फ्रंट वाला इसकी मैं बात कर रही थी, ये वाला जो है काफ़ी स्पेशियस, इसमें काफ़ी सारा सामान स्टोर का आ जाता है, लेकिन अभी मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसको साफ़ नहीं कर पाई क्योंकि चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये देखो कितना वो है, तो चढ़ने में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत होती है। अभी चलते हैं बाहर, जैसे ही बाहर निकलते हैं लेफ़्ट साइड में आता है हमारा ये वॉशिंग एरिया, ये हमारा वॉशिंग एरिया है, और यहाँ पर ये जो इस तरह का वो लगा हुआ है, और ये डिज़ाइन जो नीचे से आपको दिख रहा था ना, ये पाइप स्टील की लगी हुई हैं, और ये वाला जो है चिमनी का है, और ये यहाँ पे भी वही टफन ग्लास है, और यहाँ पे भी हमने डिज़ाइन बनवाया है। तो ये यहाँ का फ्रंट का डिज़ाइन है, ऊपर का ये है, ऐसे अंदाज़ा हो गया होगा। और यहाँ पर ऊपर हमने कलरफुल लाइट्स वगैरह जो लगवाई हुई हैं, और ये है यहाँ का नज़ारा, अभी कोई ख़ास दिखेगा नहीं क्योंकि धुंध बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धुंध है भाई। तो ये देखो यहाँ का पीछे का एरिया भी मैं आपको दिखा देती हूँ, पर अभी तो क्या दिखेगा क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक जाल बनवाया हुआ है ताकि रोशनी नीचे तक चली जाए, ये एक एसी है, और पीछे का भी आज तो धुंध बहुत ज़्यादा है, गली बन रही है वहाँ पर, पक्की गली जो है वो बन रही है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये मेरा होम टूर जो है वो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है वो इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, टिल देन बाय बाय।